विधानसभा चुनाव में रायपुर शहर के 4 सीटों में महज एक सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट बचा पाई थी, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से विधायक चुने गए थे। इसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष के चयन का मौका आया। उस समय बृजमोहन का नाम आगे होने के बावजूद भी इन्हें पीछे कर धरमलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इसके बाद मौका था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदलने का। इस दौर में भी बृजमोहन अग्रवाल सबसे आगे थे, लेकिन विक्रम मुसंडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर फिर बृजमोहन अग्रवाल को पीछे कर दिया गया। अब जब रायपुर लोकसभा सीट से बृजमोहन ने दावेदारी की थी, लेकिन संगठन ने फिर से बृजमोहन को दरकिनार कर रायपुर के पूर्व महापौर सुनील सोनी को टिकट दे दिया है। उनके दुखते रग पर जब पत्रकारों ने हाथ रखा तो उन्होंने अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा कि मैं विधायक हूं और जो पार्टी ने निर्णय लिया वो सिरोधार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश के सभी सीटों पर जीत भी दर्ज करेगी। मैं विधायक हूं और भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया उस निर्णय के अनुसार टिकटें दी हैं। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि हमारे अधिकांश सांसद जीत कर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।